हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगा, और इसको अपने घर में ट्राई करिएगा। इसका नाम है स्टफ्ड मशरूम चिली। इसको मैंने मशरूम्स को स्टफिंग किया है और उसके बाद मैंने इसको एक ड्राई चिली फ्लेवर दे के इसको तैयार किया है, और ये बहुत ही यम्मी सा बनेगा। इसको आप पराठे और रोटी के साथ खा सकते हैं। मेरे वीडियो को फुल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैंने डाल दी है, पेज को फॉलो करें। सबसे पहले मैंने मशरूम को लिया है और इसको अंदर से इस तरह क्लीन कर लिया है। इसके स्टेम्स को मैंने काट के बाहर निकाल लिया था और उसको इस तरह मैंने पेस्ट बना लिया है। एक आलू को मैंने बॉयल करके मैश करके रखा है। पनीर बनाई है घर में 1/4 कप, और ये मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है, 4 टेबल स्पून मैदा लिया है, 1/2 इंच बनाने के लिए हमें जिंजर चाहिए 1/2 इंच ग्रेटेड, और लहसुन चाहिए, और एक प्याज को मैंने फाइनली चॉप्ड किया है, और ग्रीन चिली को भी फाइनली चॉप्ड किया है। और ड्राई चिली बनाने के लिए हमने कैप्सिकम को इस तरह डाइस कर लिया है, इस तरह शेप देके काटा है। अनियंस को भी इस तरह हमने डाइस कर लिया है। टमाटोज को भी इस तरह हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं, और मैंने टोमेटो सॉस लिया है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चिली सॉस लिया है ग्रीन चिली सॉस, 1 ड्रॉप ऑफ डार्क सोया सॉस लिया है, और सॉल्ट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें, रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा उसमें लहसुन चॉप्ड आप डाल दें, थोड़ा सा हरी मिर्च चॉप डाल दें, और अदरक जो चॉप्ड की था वो सारा ही आप डाल दें। इनको अच्छे से फ्राई कर लें। ये फ्राई हो जाए तो इसके बाद इसमें फाइनली चॉप जो अनियंस हैं उसको हम डाल देंगे। अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर लें, सौते करना है बस हल्का सा। अब हम इसमें ये मशरूम का जो स्टेम का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा हमने मिक्सी में थोड़ा सा कर दिया था। आप चाहे तो उसे चॉप भी कर सकते हैं। मशरूम में पानी होता है, इसीलिए हमने सबसे पहले मशरूम को डाला है, मशरूम के स्टेम्स को। अब हम पनीर डालेंगे। ये घर का बना हुआ पनीर है। अब हम इसमें एक आलू को बॉईल करके मैश करके डाल देंगे, इससे आपकी स्टफिंग की बाइंडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल दें, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दें, और इन सबको अच्छे से मिला लें। तो ये देखिए आपकी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब गैस को स्विच ऑफ कर दें और इन्हें ठंडा होने दें। अब हम बैटर बनाते हैं कोटिंग के लिए मशरूम के। इसमें हम कॉर्न स्टार्च और मैदा दोनों ही डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक डाल दें 1/2 टेबल स्पून के अराउंड, और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको स्मूथ सा एक पेस्ट बना लें। थिक सा पेस्ट बनाइएगा, ज़्यादा पतला मत बनाइएगा, क्योंकि हमें कोटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि ये मशरूम पे स्टिक हो सके आराम से। तो चलिए अब मशरूम को स्टफिंग करना शुरू करते हैं। देखिए अच्छे से क्लीन है मेरा अंदर से मशरूम। इसके अंदर हम मिश्रण को भर देंगे, स्टफिंग को इस तरह। अब हम इसे कोट कर देते हैं कॉर्न स्टार्च से, कॉर्न स्टार्च जो मैदे की जो मिक्सचर है उससे, और अब ये रेडी है फ्राई करने के लिए। अब हम एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे, उसे गर्म होने देंगे, और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। दूसरी साइड पलट ले, दोनों साइड से फ्राई कर ले अच्छे से। ये देखिए आपके मशरूम फ्राई हो गए। इस तरह आपको सारे मशरूम को फ्राई कर लेना है।
अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दें और उसमें लहसुन चॉप कर डाल दें और उसके बाद उसमें ग्रीन चिलीज को जो मैंने स्लिट करके रखा था वो भी डाल दें और इनको थोड़ा फ्राई होने दें। ये जो बचे हुए लहसुन थे वो हमने सब इसमें डाल दिए। अब हम इसमें अनियन के डाइस्ड जो स्लिट्स हैं वो सब डाल देंगे, कैप्सिकम को डाल देंगे, इनको सौते कर लें। सौते हो गए हैं, अब इसमें टमाटोज़ के ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डाल देंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल देंगे, 1 ड्रॉप ऑफ सोया सॉस डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने एक टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च में थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी बनाया और उसको भी ऐड कर दिया और इन सबको अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें सारे फ्राइड स्टफ्ड मशरूम को ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से हल्के हाथों से मिला लेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर स्पार्कल कर देंगे और ये मिक्स कर देंगे और ये आपकी स्टफ्ड मशरूम चिली रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।